संत रविदास जयंती पर उमरिया जिले की करकेली जनपद पंचायत के प्रांगण में आयोजित समारोह में संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को लाइव देखा गया। जनपद स्तर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास महाराज ने नागरिकों को जागरूक किया, भारत समाज के उत्थान के लिए नई दिशा बताई। ये पहली दफा है किसी सरकार ने ऐसे परम ज्ञानी महान संत जिन्होंने अपने तप बल से समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, जिन्हें कई सरकारें रही इसके पहले किसी ने भी किसी ओर ध्यान नहीं दिया, ये पहली बार है कि हमारे प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर संत जी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, जनता जनार्दन की ओर से, समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने जो ये कदम उठाया है वास्तव में प्रशंसनीय है, और हमारे रवि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती जो आपने ग्राम स्तर पर बनाकर लोगों को जोड़ने का काम किया, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुसुम सिंह ने भी अपने विचार रखे। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया यह कार्यक्रम, यह समाज के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक संरचना, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए है और यह समाज में एक बेहतर संदेश है आने वाली पीढ़ियां के हमारे। मैं समाज को देखते हूँ, ऐसे संतों के माध्यम से ही, ऐसे महान पुरुषों के माध्यम से ही समाज में संदेश जाता है संत रविदास जयंती के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेघाई चर्मकार ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि किसी सरकार ने हमें और हमारे संत को याद किया। मुख्य अतिथि द्वारा लल्ला चौधरी एवं महिलाओं का सम्मान शॉल श्रीफल से किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर अशोक ओहरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रेकवार, उप यंत्री सुनील सिंह परिहार, SDO AN शर्मा, सहायक यंत्री, जिला भाजपा उपाध्यक्ष संग्राम सिंह रघुवंशी और भाजपा मंडल करकेली अध्यक्ष राजेश पवार सहित पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।